जाए। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो हम लोग करना है और अभी थोड़ा सा फास्ट करना है, धीरे धीरे कर रहे थे क्योंकि कोई निश्चितता था नहीं, एग्जाम होगी नहीं होगी पता तो नहीं था, तो बहुत हम लोग का स्लो प्रोसेस चल रहा था। अब थोड़ा सा क्या करना है, हम लोग का फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, क्लासेस भी मतलब रेगुलर चलेंगी, ऐसा नहीं होगा कि बीच में गैप हो जाए, और समय को भी हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, क्लासेस टाइमिंग को भी हम लोग इंक्रीज करके रखेंगे, ओके। और जल्द से जल्द सारा सिलेबस कवर हो ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग इधर भी ध्यान दीजिएगा कि नियोजन नीति क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा झारखंड का ही एक स्टेट है जहां के स्टूडेंट को पढ़ने से नहीं होगा, लड़ना भी पड़ेगा, पढ़ाई और लड़ाई एक साथ कीजिएगा तभी होगा। ये तो पढ़ते तो हम लोग आ ही रहे हैं ना, आप में से भी बहुत होंगे जो 2016-17 के आसपास से इसमें जुड़ गए होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे, है कि नहीं इसमें से कोई है, आप लोग में से कोई नहीं, कब से आप लोग हैं, 19-20 के आसपास से हैं, तो 19-20-21 में फिर रद्द हो गया, मतलब 21 मई 22 में फिर रद्द हो गया, इस बार रद्द ना हो इसके लिए हम लोग आंदोलन में भी जुड़े रहेंगे, पार्टिसिपेट कीजिएगा। खैर, कल कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में, क्या चीज, हाँ वहां तक पढ़ लिए, मतलब एक बेसिक इंट्रो हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफिकल एंट्रो के, है ना, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा झारखंड कहां पे है, इसका क्या अवस्थिति है, क्या सिचुएशन है, इसके बारे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि पहले जब ये अर्थ बना तो ये सारे कॉन्टिनेंट, जितने सारे महादेश है वो सब क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, मतलब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो भी आपको महादेश दिख रहे हैं, जो भी कॉन्टिनेंट है वो सब क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। और एक साथ जुड़े हुए इस सुपर कॉन्टिनेंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था, पिंजिया, क्या नाम था इसका, पिंजिया, ठीक है, पिंजिया। ठीक इसी तरह से क्या बताए थे कि जितने सारे ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने सारे हैं वो सब भी आपस में क्या थे, एक साथ ऐड थे, और सब कॉन्टिनेंट, सब ओशियन का यानी कि सागर का एक साथ नाम क्या था, पैंथालासा, पैंथालासा। दो टर्म बताए, पहला टर्म क्या बताए, जितने सारे कॉन्टिनेंट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, पेंजिया, और सारे ओशियन एक साथ जुड़े हुए हैं इसका नाम क्या है, पैंथालासा। लेकिन हमारे पृथ्वी के अंदर क्या मिलते हैं, मेटल मिलते हैं, एल्यूमिनियम मिलते हैं, निकल मिलते हैं, और ये सब क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखेंगे। धातु के अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, और धीरे धीरे इसके अंदर स्ट्रीम्ड करंट क्रिएट होता है कि हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब सिंपल से एक बात सोचिएगा, मान लेते हैं कि कोई हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाए गोल सा, उसको आग से पकाए नहीं है, गोल बना लिए मिट्टी का बर्तन, उसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है ना। तो ठीक है, ऐसा ही कंडीशन है, ये पृथ्वी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा था, सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा था, और अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब वो रोटेट भी हो रहा है और रिवॉल्व भी हो रहा है, पढ़ते होंगे ना आप लोग कि अपना जो अर्थ है वो अपना एक्सिस में क्या होता है, रोटेट करता है, घूर्णन करता है, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ये जब घूम रहा होगा तो इसके अंदर में क्या हो रहा होगा, ये सिस्टम धीरे धीरे टूट गया होगा, तो स्टीम्ड करंट के कारण वो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर से टूट जाता है, और ये पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट चला जाता है ऊपर, एक पार्ट चला जाता है नीचे। तो पैंजिया टूटने के बाद जब दो पार्ट बना तो ऊपर वाले का पार्ट का नाम हम लोगों ने क्या दिया, अंगारा, और नीचे वाले पार्ट का नाम गोंडवाना, ठीक है, इतना याद रखना है। ऊपर वाले पार्ट का नाम अंगारा लैंड और नीचे वाले पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड। क्लियर है, ऊपर वाले पार्ट अंगारा लैंड, नीचे वाला पार्ट तो यूरोप बना हुआ है, नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है, इधर से एशिया का कुछ पार्ट बना हुआ है, रसिया वगैरह बना हुआ है, किससे, अंगारा लैंड से, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये किससे बना, गोंडवाना लैंड से। तो वर्ल्ड मैप में जो ऊपर है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, अंगारा लैंड, और नीचे वाले का
हमारा जो आज का इंडिया है इसमें से पेनिनसुलर पार्ट, इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है। देखिए रैंडम अगर मैप बनाते हैं हम लोग, और ये नीचे वाला इंडिया को क्या कहते हैं हम लोग, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, यही कहते हैं ना। ये प्रायद्वीपीय भारत का जो इंडिया है, ये वाला जो हिस्सा है एकदम यहां से लेकर पूरा देख लीजिएगा, ये पूरा हिस्सा ये कहां था, गोंडवाना लैंड का पार्ट। धीरे धीरे ये कहां गया है, ऊपर गया है। और यहीं पर आप लोग पढ़ते होंगे हिमालय की उत्पत्ति, पढ़ते हैं ना हिमालय की उत्पत्ति, कि पहले वहां पे क्या था, टेथिस सागर था। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। जब इधर से जाकर इंडियन प्लेट, और इस साइड में कौन है, यूरेशियन प्लेट। इधर वाला प्लेट का नाम क्या दिया गया था, यूरेशियन प्लेट। इधर से कौन गया, इंडियन प्लेट। जब आपस में टकराया तब जाके क्या बना था, हिमालय पर्वत। बीच का टेथिस सागर ऊपर आ गया और क्या बना लिया, हिमालय पर्वत बना लिया। पढ़े हैं हम लोग ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ये पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यहां तक क्लियर है। और आज जो हमारा झारखंड बना हुआ है, आज की अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड कहां पे, इसी का ना पार्ट है, इस जगह पे झारखंड है ना। तो जो इस जगह पर झारखंड है, ये किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का। और पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, इंडियन प्लेट का। इसका मतलब हमारा झारखंड भी किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड। क्लियर हो रहा है। अच्छा ये हमने कह दिया, या किसी साइंटिस्ट ने या फिर जियोलॉजिस्ट ने कह दिया, इतना में तो हम लोग नहीं मान लेंगे। जब भी कोई किसी बात को कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको साबित करना होगा, पुष्टि करना होगा ना। अगर पुष्टि करेंगे तभी तो लोग मानेंगे। तो कैसे मान लेंगे कि भैया हमारा जो झारखंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कुछ तो कारण होगा। तो झारखंड में कुछ ऐसे वनस्पति पाए जाते हैं, ऐसे वेजिटेशन पाए जाते हैं जो अफ्रीकी मूल के, किस मूल के हैं, अफ्रीकी मूल के। एक पेड़ का नाम सुने होंगे कल्पतरु, जो पूरे भारत में कहा जाता है कि केवल 9 ही है। कितना है, 9, उसमें से 4 कहां था, हमारे झारखंड में। एक सड़क विभाग ने उड़ा दिया, धुरंडा कॉलेज देखे है ना, उसी के बाहर में था। एक को क्या कहते हैं, जब सड़क बन रही थी उसमें कुछ कट छट गया होगा। खैर इसका मतलब क्या हुआ, जो कल्पतरु वृक्ष कहां मिलते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, वो वृक्ष कहां मिलते हैं, हमारे झारखंड में मिल रहा है। तो कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। जिस प्रकार के कोयला के खदान या कोयला कहां मिलते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, वो कहां मिल रहा है। इन सब बातों से पता चल रहा है कि भैया कहीं ना कहीं झारखंड किसका हिस्सा रहा होगा, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से क्या बना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। जब यहां के रॉक का टेस्ट किया गया, और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के रॉक का टेस्ट किया गया, कार्बन डेटिंग किया गया, तो क्या पाया गया कि लगभग जगह का एज क्या है, एक जैसा है, एक साथ बना है। एक साथ ये क्या हुआ है, जो हमारा पैंथालासा है यानी समुद्र है, उससे ऊपर में आया है। फिर एक तरीका होता है जिग्सॉ फिट। कौन सा तरीका, जिग्सॉ फिट, याद रखिएगा जिग्सॉ फिट। बचपन में वो आप लोग किए होंगे, एक डॉल वगैरह या फिर कुछ भी फोटो आपको मिल जाता था, उसका अलग अलग पार्ट मिलता था, उसको जोड़ के फोटो जैसा बनाना होता था। खेले होंगे ना पजल, हाँ पजल जैसा मिलता होगा कि एक फोटो आपको दे दिया जाता था, इसका नाक को लगाइए, कहीं पर नाक अलग है, सेट करना है, जीभ सेट करना है, हाथ सेट करना है, करना पड़ता था ना। तो जब पूरे हमारा जो आज का मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसको एक दूसरे से ऐड करते हैं, वो पूरा क्या हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है, सेट हो जाता है। और कैसा बना लेता है, पेंजिया के जैसा। कैसा, इस तरह का पेंजिया बना लेता है, जिससे हमें कम से कम ये पता चल रहा है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और एक सुपर ओशियन था जिसका नाम क्या था, पेंथालासा। ये दो भाग में क्या हुआ, पहली बार बटा, ऊपर वाले का नाम, नीचे वाले का नाम। और गोंडवाना लैंड में आपको सारा कुछ दिख गया। और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत का पूरा हिस्सा है, वो किसका पार्ट रहा है, गोंडवाना लैंड। और अपना झारखंड भी कहां पर है, ये भी आप लोग पढ़िएगा कि जो बीच में आपको गैप दिखता है ना,
बंगाल की खाड़ी का इलाका, वो पहले बंगाल की खाड़ी का वाला इलाका नहीं था, वो पूरा क्या था, भूमि था। मेघालय का पठार नाम सुने होंगे, तो छोटनागपुर का पठार यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या असम मेघालय ये वाला हिस्सा है। एक समय था कि ये पूरा हिस्सा क्या था, मिला हुआ था। छोटनागपुर का पठार आज हम लोग किसको कह दे रहे हैं, केवल अपना झारखंड को कह रहे हैं, उसका भी कुछ हिस्सा को कह रहे हैं। उस समय क्या था, इस पार से लेकर इस पार तक मिला हुआ था। तो जो आज कहाँ है, पानी के अंदर है। जो पानी के अंदर में इलाका है वो भी एक समय में क्या था, जुड़ा हुआ था। बाद में ये इलाका क्या हो गया, धस गया। ठीक है, तो क्या बन गया, बे ऑफ बंगाल बन गया, बंगाल की खाड़ी बन गई। खैर, तो हमें इतना पता चला कि हमारा जो आज का झारखंड है वो किसका हिस्सा है, क्योंकि वो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग। क्लियर है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करके रखिए कि झारखंड किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग, क्योंकि हमारा झारखंड कहां पे है, प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में। पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि झारखंड किस भाग में अवस्थित है। कभी कभी आंसर लेता है उत्तरी, और कभी कभी लेता है उत्तर पूर्वी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना कि झारखंड कहाँ अवस्थित है, उत्तर में या फिर उत्तर पूर्वी, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड किस हेमिस्फेयर में, किस गोलार्ध में, तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारे बीचों बीच एकदम क्या है, 0 डिग्री। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये सब इसी का नाम है ना। 0 डिग्री बोलिए, इक्वेटर बोलिए, या फिर लेटिट्यूड बोलिए, भूमध्य रेखा बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए, इसके ऊपर में जो भी होता है, इसके ऊपर में जो भी है उसका नाम क्या होता है, नॉर्थ। इसके ऊपर में जितना लाइन है, इस तरह से जितना लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ। 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, फाइनली कहां पहुंचेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ। और 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल। अच्छा, इसको नॉर्थ पोल नाम हम लोग क्यों रखे, बात समझ में, क्या क्वेश्चन किए, नॉर्थ पोल क्यों रखे। हाँ, तो मैग्नेट का आधार पे रखे ना, तो मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल होगा। अब जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल, क्या नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, बात समझ में, क्या क्वेश्चन कहे हैं। हम लोग जानते हैं ना कि सेम पोल में रहेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, और अलग अलग पोल में रहेगा तो, लेकिन इसी को हम लोग नॉर्थ मानते हैं। हम लोग मैप भी कैसे बनाते हैं कि ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और इसी के आधार पर ईस्ट और वेस्ट, इसको मान लेते हैं ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट, यही मानते हैं ना। हम लोग चुंबक रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे, तो मैग्नेट भी दिखाएगा ऊपर वाले को, क्या दिखाएगा, नॉर्थ। तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां आना चाहिए था, साउथ पोल में। इन इससे समझने में क्या हो जाता, दिक्कत हो जाती। असल में जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ का नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेट के लिए क्या है, वो साउथ। बात समझ में आया, मैग्नेट के लिए वो क्या है, साउथ है, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। और जो साउथ पोल है अर्थ का, वो मैग्नेट के लिए क्या है, नॉर्थ। ये क्लियर रखिएगा, इसका मतलब कि नॉर्थ पोल है मतलब ये नॉर्थ है नहीं कह देना है, अर्थ का अपना नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ नहीं है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसे समझने में क्या होगा, आसानी होगी। खैर चलिए, तो ये हो गया अपना इक्वेटर, इसके ऊपर वाले सारे का नाम हम लोग क्या रख दिए, नॉर्थ। हर एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलते रहेगा। नीचे वाले का नाम क्या रखेंगे, साउथ। जितना सारा नीचे रहेगा सभी का नाम क्या रहेगा, साउथ। 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे ही 90 डिग्री में क्या रहेगा, 90 डिग्री
साउथ रहेगा। ओके 90 डिग्री में क्या रहेगा, 90 डिग्री साउथ। तो हमारा इंडिया कहां पे, इस जगह पर। अगर इंडिया के मुख्य भाग की बात करें कन्याकुमारी, तो लगभग 8 डिग्री 6 मिनट के आसपास है। लेकिन हम लोग अंडमान निकोबार को भी ऐड कर ले, इसको ऐड कर ले अंडमान निकोबार को, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। इसीलिए हम क्लास में कई बार कहते हैं ना कि हम लोग को श्रीलंका का मैप फ्री में नहीं मिल जाता है, इंडिया का मैप खरीदने जाते होंगे ना, साथ में किसका मैप मिल जाता है, तो सोचते होंगे दिमाग में फ्री में मिल जा रहा है। क्या बोले थे उनको, इंडिया का मैप दीजिए। भैया इंडिया का मैप में कौन आता है, अपना अंडमान निकोबार भी तो आता है ना, आता है ना। अब अंडमान निकोबार देखिएगा कितना नीचे है, उतना नीचे उसके आधा में कौन आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा। इसीलिए इंडिया के मैप के साथ फ्री में क्या मिल जाता है, कोई उसको मतलब एहसान नहीं करता है कि श्रीलंका का मैप आपको दे दिया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा पार्ट कौन है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ, नॉर्थ के आसपास है। इसका एक मतलब और क्या होगा कि हमारा जो देश है वो इक्वेटर से, जब हमारा देश इक्वेटर से ऊपर है इसका मतलब हम लोग किस गोलार्ध में है, जब हमारा पूरा इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में है तो हम झारखंड किस खेत के मूली है, हम तो इंडिया में ही है ना, तो हम भी किस गोलार्ध में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए एग्जाम में पूछे कि झारखंड किस गोलार्ध में है, तो कभी भी ऑप्शन में उत्तर पूर्वी ढूंढने जाना ही नहीं है, उत्तर पूर्वी के नाम से कोई गोलार्ध नहीं है, या तो उत्तरी गोलार्ध है या तो पूर्वी गोलार्ध है या तो, कभी भी आप जियोग्राफी की किताब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध नहीं सुनिएगा। इसलिए जब भी पूछा जाए झारखंड किस भाग में है और ऑप्शन में गोलार्ध लिखा हुआ रहे, हेमिस्फीयर लिखा हुआ रहे, तो चुपचाप क्या टिक करके आना है, उत्तरी गोलार्ध। क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारा इंडिया ही किस गोलार्ध में है, भारत ही किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और हम लोग कहां से स्टार्ट होते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट, मतलब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगर आता है कि झारखंड, एक क्वेश्चन और आता है, अब एक आता है उत्तरी गोलार्ध, ये क्लियर, एक होता है किस भाग में, और आंसर क्या लेता है, उत्तर पूर्व। वो इंडिया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है, किसमें रिस्पेक्ट में, जब इंडिया के मैप की हम लोग बात करेंगे तब यहां पे हमारा झारखंड है, इस जगह पर यहीं पे है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये कहां पे हो गया, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर हो रहा है, गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, डायरेक्शन पूछे तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में स्थित है। दोनों क्वेश्चन क्लियर, एग्जाम में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन गलत होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अभी तो बहुत मजा आ रहा है कि काहे मास्टर समय खराब कर रहे हो, ये तो दो लाइन की बात है कि उत्तर गोलार्ध में और उत्तर पूर्वी भाग में है, पर एग्जाम हॉल में जब दिखेगा ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तब पता चलता है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध शायद होता होगा, ऑप्शन में उत्तरी भी रहेगा और उत्तर पूर्वी भी रहेगा, और दिमाग में क्या होगा, शायद होता होगा, मारो और निकलो, हो जाए गड़बड़, याद रहेगा। तो किस हेमिस्फीयर में है, उत्तर में है, और डायरेक्शन पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी भाग में। तो ये हो गया हमारा जियोग्राफी में एक बेसिक जानकारी कि झारखंड कहां पे है। क्लियर है, अब हम लोग झारखंड का भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ हम लोग पॉइंट जान के रखेंगे कि झारखंड जैसे हमारा अलग हो गया था 15 नवंबर, उसके बाद राजधानी कहां हुआ, लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है। जेपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा 2016 पूछा था कि झारखंड की उपराजधानी, लेकिन उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने दुमका टिक नहीं किया, फिर क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट किया था कि जब झारखंड अलग हुआ तो पहली बार बाबूलाल मरांडी ने किसको उपराजधानी चुना, और ऑप्शन में राजधानवार गिरिडीह, जो कि बाबूलाल मरांडी का वर्तमान का क्षेत्र है, ऑप्शन में डाल दिया था। तो लोगों को लगा कि भैया ये भी तो हो सकता है, पहली बार दुमका नहीं बना होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही राजधानी क्या बना, रांची, उपराजधानी यानी सब कैपिटल क्या बना, दुमका। दो टर्म और लिख के रखेंगे, इंडस्ट्रियल कैपिटल, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, जमशेदपुर, वेरी गुड। कोल कैपिटल क्या लिख के रखना है, धनबाद,
काला हीरा है ना, धनबाद। और कल्चरल कैपिटल हमारा देवघर, सांस्कृतिक राजधानी हमारा क्या है, देवघर। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी कहां है हमारा, देवघर। ये हो गया राजधानी, ये हो गया उपराजधानी, ये औद्योगिक राजधानी हमारा कोयला नगरी, और ये हमारा देवघर। धनबाद इज नॉट द कोल कैपिटल ऑफ झारखंड, इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, पूरे भारत का बोल सकते हैं। वैसे ही पूरे भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, ठीक है, पूरे भारत की माइका कैपिटल क्या कहलाएगा, कोडरमा। माइका कैपिटल कोडरमा, ठीक है, ना केवल झारखंड का बल्कि पूरे इंडिया का। ठीक, वैसा ही दो क्वेश्चन और याद रखिएगा, अभ्रक, माइका मतलब अभ्रक, तो पूरे भारत की अभ्रक राजधानी। जब हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, तब आपको बताएंगे कि यहाँ पे माइका कैसे बना, कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, कितने टन में फैला हुआ है, कितना रिजर्व वहां पे है, ये सब बातें हम लोग चर्चा करेंगे। दो टर्म और लिखेंगे, खेल नगरी सुनते हैं जमशेदपुर, टाटा नगरी जमशेदपुर, ये दो टर्म याद रखिएगा, खेल नगरी। झारखंड का अपना खेल नगरी क्या लिख के रखना है, जमशेदपुर। और यहीं पे एक तरफ ऐड कर लीजिएगा, खेलों की नर्सरी सिमडेग, नर्सरी कहां हो जाएगा, सिमडेग। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है क्या, तुम लोग जानते भी हैं कि खेल नगरी कहां है, खेल नर्सरी कहां है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बेसिक तो है लेकिन जानना तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी आता है ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में लगे भाई पढ़े ही नहीं थे, ये भी आता है, इतना आसान है लेकिन पढ़े ही नहीं थे, तो ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़े, जामताड़ा को याद रखिएगा, कई सारे जगह पर सांपों की नगरी कहा जाता है, जामताड़ा अपना है ना, इसको क्या कहा जाता है, सांपों की नगरी। और साइबर क्राइम तो के लिए फेमस है ही है, है ना। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल कैपिटल, औद्योगिक राजधानी। बीच में तो एक बहुत मतलब फेमस उस क्षेत्र में कहावत चलने लगा था, अगर जामताड़ा में कोई आपको बड़ा त्योहार देखे, मतलब खस्सी वस्सी काटते हुए दिख जाए, तो समझ लीजिए कहीं पर घोटाला हुआ है, मतलब इतना वो चलन में आ गया था, किसका, जामताड़ा का नाम। ये क्या है, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है। और गुप्त काशी किसको कहा जाता है, दुमका, क्या कहते हैं, गुप्त काशी, लिख लीजिएगा, गुप्त काशी हम लोग किसको कहते हैं, दुमका को कहते हैं, दुमका, गुप्त काशी। पंडे पुजारियों की नगरी, पंडा पुजारियों की नगरी, बासुकीनाथ, लिख लीजिए, पंडा होता है ना जो पूजा कराते हैं, लिखिए पंडा पुजारियों की नगरी, हाँ पांडा, कुंभ पांडा वाला पांडा नहीं, पांडा होता है जो पूजा करते हैं ना, वहां पंडा बोला जाता है, हाँ पंडा, पंडा ये वर्ड लिखिएगा, जैसे पुरोहित होते हैं ना बासुकीनाथ धाम में जो पूजा कराते हैं, उसको पंडा कहा जाता है, ठीक है, हाँ दुमका में ही आता है, लेकिन स्पेशली बासुकीनाथ को क्या बोला जाता है, पंडे पुजारियों की नगरी। दुमका में दुमका नाम का भी एक शहर है, बात समझ में आया, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम में उसमें जमशेदपुर है ना, वैसे दुमका भले जिला का नाम है, दुमका नाम का एक शहर भी है, दुमका के अंदर बासुकीनाथ नाम का जगह भी है, शिकारीपाड़ा नाम का जगह भी है, रांची के अंदर केवल रांची ही है, बुंडू नहीं है, सिल्ली नहीं है, है ना, ठीक वैसा ही दुमका के अंदर बासुकीनाथ भी आता है, तो पंडा पुजारियों की नगरी कौन सा हो जाएगा, बासुकीनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो उपनाम आता होगा एक बार देख लीजिएगा, और भी कई सारा नाम है, जैसे कि हम लोग अपना जो सिमडेगा है उसको बीरू कैसलपुर कहा जाता है, सिमडेगा क्या कहा जाता था, बीरू कैसल,
कई बार हिस्ट्री में हम लोग कहेंगे कि बीरू क्षेत्र, मतलब कौन सा एरिया की बात करेंगे, सिमडेगा वाला एरिया की बात करेंगे, बीरू कैसलपुर, हाँ बिजराबाग हो जाएगा, हजारीबाग है, हजारीबाग है ना, क्यों हजारीबाग पड़ा, हजार बागों का शहर हजारीबाग। इस तरह के उपनाम भी पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन है, देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ हम बता दिए, कुछ आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं कि अपना झारखंड का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका आकार क्या है, जियोग्राफी में कहां ठहर रहा है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग बिहार से अलग हुए तो लगभग कितना परसेंट लेके अलग हुए, 46 पॉइंट समथिंग, है ना, 46 पॉइंट समथिंग, हम लोग मान लेते हैं 46% कि बिहार का मतलब कंबाइंड बिहार का 46% को लेकर हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना अलग राज्य बनाया, इसका नाम क्या पड़ा, झारखंड। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्लास से हम आप लोग को यहां पर मैप लगा के ही रखेंगे। ठीक है, मान के चलिए फिलहाल का ही झारखंड है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैप ही लगा के रखेंगे कि प्रॉपर आपको समझ में आए, क्लियर। तो झारखंड का आकार देख के आपको कैसा लग रहा है, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि झारखंड का आकार कैसा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज आकार, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, चतुर्भुज आकार, क्लियर रहेगा। टोटल अभी कितना जिला इसमें, अब इस 24 जिले को आप सीधा सीधे इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखिएगा, एक इधर वाले का नाम क्या है, संथाल पर या राजमहल, संथाल पर या फिर क्या नाम दीजिएगा, राजमहल। तो जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम क्या हो गया, राजमहल, और इधर वाले को पूरा कहा जाता रहेगा छोटनागपुर का पठार, जिसको हम लोग उत्तरी छोटनागपुर, दक्षिण छोटनागपुर, पलामू, कुल्हान सब बांट दिए है ना, एक समय था जो पूरे को क्या कहलाता था, छोटनागपुर का पठार। यानी झारखंड में दो वृहत क्षेत्र है, एक का नाम क्या है, राजमहल, और दूसरे का नाम छोटनागपुर का पठार, क्लियर है। झारखंड जो हमारा बना हुआ है ये दो तरह के मैदान से बना हुआ है, एक का नाम छोटनागपुर और एक का नाम राजमहल, जो आज का संथाल परगना है। इसीलिए आपको इस साइड के जितने सारे हैं लगभग में समानताएं मिलेगी, और उधर वाले लोग में अलग समानताएं मिलेगी, भिन्नताएं देखने को मिलेगा, आज भी देखने को मिलेगा, चाहे वो डेवलपमेंट का मामला हो, किसी भी मामले में जिसके आसपास आप रहिएगा वो घटनाएं तो होगी। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दुमका क्या कर रहा है, उधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, बिहार का ही प्रभाव है, बंगाल का ही प्रभाव है। गोड्डा में देखेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा बिहार का प्रभाव दिखेगा, साहिबगंज साइड में दिखेंगे, ठीक है, तो बंगाल का भी कुछ कुछ दिखेगा। खैर, तो ये हमारा झारखंड का क्या आकार है, कैसा है, चतुर्भुज आकार, ठीक है। और इसमें दो वृहत क्षेत्र है, एक क्या है, छोटनागपुर, एक क्या है, राजमहल, क्लियर। इसमें जो राजमहल का इलाका है याद रखिएगा, लगभग 40% के आसपास है, 30 पॉइंट समथिंग है। अब राजमहल की बहुत बात कर रहे हैं हम लोग, केवल ये आपका देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ की बात नहीं कर रहे हैं, राजमहल का हिस्सा बिहार के पास भी कुछ है, कि राजमहल एक क्या है, पहाड़ी है। कोई पहाड़ी को आप कैसे नेचुरल बाउंड्री बना लीजिएगा, क्या बोल दीजिएगा ये पहाड़ मेरा है, ऐसा तो होगा नहीं। और पहाड़ी तो एक जगह में होता नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़िएगा, तो कौन सा पहाड़ है यहाँ पर जी, राजस्थान के आसपास अरावली, अरावली है ना, मतलब वही माउंट आबू चलते रहेगा तो अरावली में ना है, तो अरावली या सतपुड़ा हम लोग क्या कहते हैं कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है ना, कहीं कहीं पर कट कट के, ठीक वैसा ही झारखंड में राजमहल क्या है, ट्रैप है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो जरूरी नहीं कि ये केवल कहां पे है, झारखंड में भी है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो झारखंड में दो क्षेत्र है, छोटनागपुर और राजमहल, क्लियर है। अब हम लोग झारखंड का लैटिट्यूड देखते हैं, अक्षांश देखते हैं, अक्षांश क्या होता है, आइडिया है आप लोग को, है नहीं है, अरे कहना है हाँ या ना, नहीं है, हाँ तो नहीं है, कहना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तभी तो पढ़ने आए हैं ना, अगर सब कुछ आता तो क्यों आते,
तो बोलना है कि नहीं आता है? आप लोग को आइडिया है अक्षांश के बारे में? अच्छा देखिए यहां पे, खैर आप लोग ज्योग्राफी में जब पढ़िएगा, इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल्स में पढ़िएगा, हम थोड़ा सा बताएंगे आपको हल्का फुल्का। क्या हुआ, ये हमारा, ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, हमारा अर्थ अपना गोला है ना, अर्थ है, और बीच से क्या हम लोग कहते हैं जनरली धसा हुआ है, तो फिलहाल हम गोल बना दिए, पर गोल होता नहीं है, नारंगी जैसा होता है, नारंगी देखे होंगे ना, बीच से क्या रहता है धसा हुआ और साइड में पूरा फुला हुआ, कुछ ऐसा सोचिएगा जैसे मेरा हाथ से बना दे, देखिए इस तरह के शेप का रहता है, बीच से हल्का क्या दिख रहा होगा, धसा हुआ और साइड से निकला हुआ रहता है, फुला हुआ रहता है, कुछ ऐसा शेप का है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है, सन, सूर्य, सूर्य से मिलता है ना, तो हम लोगों को यह पता चला कि किसी एरिया में कभी ज्यादा सनलाइट आ रहा है, किसी एरिया में कम आ रहा है। अब जिस एरिया में सनलाइट ज्यादा होगा उस एरिया में पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, वेजिटेशन ज्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, होगा ना, जहां पे ज्यादा एनर्जी होगा वहीं में ज्यादा लोग होंगे। हम लोग कहते हैं कि इंडिया में बहुत लोग है, जनसंख्या बहुत है, तो भैया हम लोग इक्वेटर के पास है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है, अफ्रीका में ज्यादा होंगे, लेकिन वही चल जाएगा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहां धूप क्या है, कम है, सनलाइट कम गिरता है, वेजिटेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होना भी आम बात है। इस इलाका में जो फर्टिलिटी रेट है वो उसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, लोग ज्यादा दिन तक क्या बच्चे पैदा कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इस कारण से भी जनसंख्या क्या है ज्यादा हो रही है, क्लियर है। चलिए यहां बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके आधार पे कि सन का लाइट कहां पे स्ट्रेट गिर रहा है, कहां पे स्ट्रेट नहीं गिर रहा है। अब जहां पे सन का लाइट ज्यादा गिरेगा तो ज्योग्राफी में क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, जहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा साइड से हवा आके क्या करेगा, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा हवा गर्म होगी, गर्म होगी कहां जाएगी ऊपर, वहां क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर होगा क्रिएट। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो अगल बगल से सारा हवा वहां पे आएगा, बादल हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, यानी जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वहां पे बारिश भी ज्यादा, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो इक्वेटर के आसपास जो हमारा इंडियन ओशियन है वहां हर दिन दोपहर 2 बजे के आसपास क्या होती है, बारिश होती है। पढ़िएगा यूरोप में और डिटेल्स में, कारण क्या है, सेम लो प्रेशर। तो इन सब को पढ़ने के लिए कि क्लाइमेट कैसा होगा, वहां की जलवायु कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा, उस जगह का वेजिटेशन कैसा होगा, ये सब आपको जानना होगा, अब सब जानना जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ज्योग्राफी तो डिसाइड करेगा अपना कल्चर कैसा होगा। हमारे यहाँ के लोग दारू को क्या मानते हैं, हम लोग बहुत ही मतलब शर्मिंदगी मानते हैं ना, रीजन क्या है, हमारा देश अपने आप में क्या है, गर्म, धूप ज्यादा है, दारू भी क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा, लेकिन यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में बाप बेटा साथ बैठा हुआ है, देखते हो ना मूवी वगैरह में कि बाप बेटे को दे रहा है, बेटा बाप को दे रहा है, तो क्या गलत दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, वहां का कल्चर वैसा है, क्यों, वहां का ज्योग्राफी वैसा है, ठंडा देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कल्चर कैसा है कि भैया दारू यहाँ पर जहर है, एक तो बॉडी ऐसी खराब और पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। याद रखना है कि दारू कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लीवर को करता है। कोई पर्सन अगर जहर खा के मौत होता है ना, उसका कौन सा बॉडी पार्ट चेक किया जाएगा, लीवर। तो जो कहते हैं उसको भी सुनना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, ठीक है। खैर तो इस आधार पे हम लोग पूरा क्लाइमेट को जानने के लिए कि यहाँ कैसा क्लाइमेट होगा, क्या किया हम लोग, कुछ लाइन ड्रॉ करनी, क्या कुछ लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट की। तो एकदम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किए, अर्थ पे नहीं है, ग्लोब पे, अर्थ पे ऐसा कोई लाइन नहीं है, इसलिए जितने सारी लेखाएं हैं, चाहे वो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अक्षांश, ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी है, हम लोगों ने बनाया है, अर्थ पे नहीं है, लेकिन ग्लोब में मानचित्र में हम लोगों ने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है, लोकेशन फाइंड करने के लिए, क्लाइमेट जानने के लिए, वहां का वेजिटेशन क्या होगा, लोग कैसे होंगे, ये जानने के लिए। तो एकदम सेंटर में जो लाइन ड्रॉ किए इसका नाम क्या दिए, 0 degree अक्षांश, ठीक है, क्या नाम दिए, 0 degree अक्षांश। इसी का और क्या नाम है, भूमध्य रेखा, कौन सा रेखा, और क्या नाम दे दिए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इंग्लिश में क्या कहना है, इक्वेटर, इक्वेट करने वाला, अर्थ को दो भाग में बांटने वाला। और अभी हम बात कर रहे थे कि इसी के पैरेलल में इस तरह से कितना लाइन ड्रॉ कर दिए ऊपर, 11, ऊपर में कितना लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलिए ड्रॉ कर देते हैं
ग्यारह, सॉरी ऊपर में जितने लाइन ड्रॉ करेंगे 90, 90 और 90 डिग्री को हम लोग क्या नाम दिए, नॉर्थ पोल, ये नाम दिया ना। और ठीक इसी तरीके से हम लोग नीचे भी कितना ड्रॉ कर देंगे 90, और क्या नाम दे देंगे साउथ, और यही क्या कहलाएगा अक्षांश रेखा। जैसे कहानी तो और बहुत है पर हम अभी इतना ही बता के आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग कहां पढ़ना है, झारखंड में आना। ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री क्लियर है। इसमें दो रेखा कम से कम और आप लोग याद रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। दो रेखा और याद रख लीजिएगा, एक का नाम क्या होगा 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारे झारखंड एकदम बीचों बीच है, जैसे पूरे अर्थ को कौन अलग कर रहा है दो पार्ट में, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री अक्षांश। हमारा झारखंड को दो पार्ट में कौन अलग करता है, ये भाई साहब 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा। अच्छा इन दोनों को क्यों बनाया गया है, थोड़ा दिमाग में आना भी चाहिए जो नहीं पढ़े होंगे उनके दिमाग में कि सर इनको इंपॉर्टेंस क्या है कि 23.5 डिग्री। जब पता लगाया गया तो ये देखा गया कि सन का जो मूवमेंट होता है वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब एक बार सन का लाइट 23.5 डिग्री साउथ में गिरेगा सीधा, बाकी सब में क्या गिरेगा तिरछा। 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी के बीच में सन का लाइट क्या गिरता है, सीधा गिरता है। क्लियर है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, हम झारखंड में आपसे पूछेंगे कि आपसे सिंपल पूछ लेगा कि कहां पे सन का लाइट साल में एक बार सीधा गिरता है, कहां पे दो बार सीधा गिरता है। कहने का मतलब क्या समझिएगा, मान लेते हैं कि सन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पे है 23.5 डिग्री, कहां पे है साउथ पे है, मतलब मकर रेखा में है। मकर रेखा धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर, कहां तक पहुंचेगा, कर्क रेखा तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचेगा। फिर यहां से कहां आएगा, नीचे। इसका एक बात वो भी तो हुआ कि जो बीच वाला रेंज है इसमें दो बार सीधा गिरेगा, नहीं गिरेगा, एक बार जाते समय, क्लियर हो रहा है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी यानी पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, ग्लोब की बात कर रहे हैं। झारखंड में आए, आते अपना झारखंड में, कहां चला गया अपना झारखंड। चलिए तो आप लोग भी एक रफ मैप बना लीजिए झारखंड का, इक्वेटर समझ में आया कि अर्थ में हम लोग 180 क्या ड्रॉ कर लिए, 181, 90 ऊपर 90 नीचे बीच में एक, टोटल 181 लाइन ड्रॉ कर लिए हैं जो लेटा हुआ है, इसलिए नाम क्या उसका, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं हैं, बीच वाले का नाम जीरो डिग्री अक्षांश। क्यों ड्रॉ किया समझ में आया, हमारा जो झारखंड है, एक छोटा सा मैप बना लीजिए झारखंड का, नेक्स्ट क्लास से मैप लेके आइएगा, छोटा मैप मिलता है ना मार्केट में, लेके आइएगा, और हम भी यहां पे मैप लगा के रखेंगे पहले से ही। ये हमारा झारखंड, ठीक है, अपने से रैंडम बना लीजिए, कैसा भी बने चलेगा, आपको समझ आना चाहिए कि झारखंड, क्योंकि आप ही पढ़िएगा, बस बात खत्म। तो झारखंड का भी हम लोग को क्या याद करना है, अक्षांश याद करना है, क्लियर है। तो कहां से स्टार्ट होगा देखिएगा, नीचे से ही स्टार्ट करना है ना, जीरो डिग्री कहां था, नीचे, 8 डिग्री में इंडिया स्टार्ट हुआ था मेनलैंड, और हमारा अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास था। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से लेकर कहां पूरा हो रहा है देखिएगा, सबसे टॉप में जो जिला होगा उसी में पूरा होगा ना। अच्छा इससे एक चीज और क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर होगा कि झारखंड का सबसे दक्षिणी कौन है और सबसे उत्तरी कौन है। तो सबसे दक्षिण में किसको टच कर रहा है, कौन सा सिंह, पश्चिमी सिंह, मतलब झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला वेस्ट सिंह, क्लियर है। और झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज, यहां पे कौन है साहेबगंज, यानी ये दो पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि सबसे उत्तर कौन है और सबसे
दक्षिण कौन है, उत्तर में कौन हो रहा है, दक्षिण में कौन हो रहा है, पश्चिमी सिंहभूम। अब ये जो वैल्यू है अक्षांश रेखा का, लैटिट्यूड का, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है देखिएगा, ये स्टार्ट होता है कहां से, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये मिनट सेकंड क्यों ले रहे हैं कि हर हम लोग क्या दिखाए थे, बड़े वाले मैप में क्या बनाए थे, केवल 1 डिग्री 2 डिग्री, इसीलिए हम लोग एक घंटा लेंगे, एक घंटा के अंदर क्या होता है मिनट होता है, और मिनट के अंदर ठीक वैसा ही डिग्री के अंदर क्या होता है मिनट, और मिनट के अंदर सेकंड। इसलिए झारखंड का अक्षांश कहां से स्टार्ट हुआ, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, क्लियर है। ये मतलब डिग्री, वन लाइन का कहने का मतलब मिनट, और दो लाइन कहने का मतलब सेकंड। और कहां एंड होगा, 25 डिग्री 18 मिनट। अब कुछ भी किताब में दिया हो आप यही याद करके जाइएगा, अलग अलग किताब में 2-4 डिग्री इधर उधर कर देता है। झारखंड का एक बहुत बड़ा दुखद स्थिति है कि जितने सारे किताब उतने सारे मत, कोई अपने से लिख दिया कि नहीं 12 डिग्री में है, तो ऐसा नहीं करना है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर कहां तक मानना है, 25 डिग्री 18 मिनट, ओके, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर कहां तक, 25 डिग्री 18 मिनट। क्या इसी के बीच में 23 डिग्री नहीं आ रहा है, या 23.5 डिग्री इसी के बीच में आएगा ना, यानी बीचों बीच एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये उसका इंपॉर्टेंस है, कर्क रेखा, वेरी गुड। ये हल्का सा ऐसे पास लीजिएगा, ठीक है, कुछ ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री। अच्छा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या, दोनों ही नॉर्थ। अभी क्या कहे थे, 0 डिग्री के ऊपर जितना रहेगा, तो गलती से भी एग्जाम में साउथ टू नॉर्थ नहीं कर लेना है कि सर नीचे से ऊपर ना जा रहे हैं तो साउथ टू नॉर्थ, ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, नॉर्थ टू नॉर्थ है। बहुत माइन्यूट चीज, माइन्यूट चीज है, जब एग्जाम हॉल में ऑप्शन पढ़िएगा ना, और इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया तो एक डाउट क्रिएट कर देगा, क्या क्रिएट करेगा, यार साउथ से नॉर्थ ना होना चाहिए, नॉर्थ टू नॉर्थ कैसे होगा, लेकिन क्या याद रखना है हम लोग किस पोल में है, इसीलिए कहां से कहां तक, नॉर्थ टू नॉर्थ, क्लियर। चलिए अब 23.5 डिग्री के बारे में तो डिस्कस करेंगे, ये कितना निकल रहा है, आज तक एग्जाम में यही पूछा है कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट, लेकिन इसके बीच का जो ये रीजन निकल रहा है, कुछ तो इसका वैल्यू होगा ना, निकाल के बताइए कितना वैल्यू होगा। झारखंड का विस्तार कितने डिग्री में है, तो 21 से लेकर 25 तक है, लगभग 4 डिग्री, तो हाँ हम लगभग नहीं सुनना चाहते हैं, हाँ पूरा बताइए। अगर आपसे कोई किसी ने कहा कि भैया हम जो है ना 6 से लेकर 11 तक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट में है, यही मतलब हुआ ना, तो यही आप निकालिए कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट का मतलब क्या है, कितना डिग्री बीच का है, वेरी गुड, 4 डिग्री, कितना सेकंड, 50 सेकंड, सभी का आया आप लोग से, कोई बात नहीं, तो कहना है कि हम लोग से नहीं आया है, ठीक है। यहां बोर्ड पे देखिएगा पूरा कहीं विदेश बजा रहा है, पहले माइनस करते हैं, हम लोग को निकालना रहता कि 6 से 11 बीच में कितना, तो क्या करते हैं 11 माइनस 6, तब ना 5 आता, यही करते हैं ना, कितना ही करते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिएगा, मतलब 25 डिग्री 18 मिनट से माइनस करना है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, जो जिस चीज पे है उसी से ना माइनस होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली तो चल नहीं रही है, बाटा सिस्टम तो चल नहीं रहा है, मतलब गेहूं के बदले गेहूं ही लगेगा, गेहूं के बदले चावल से काम
दोनों का रेट अलग अलग है, कोई सस्ता है कोई महंगा है, तो बाटर सिस्टम तो चल नहीं रहा है। इसका मतलब हमको माइनस करने के लिए मिनट का मिनट चाहिए, सेकंड का और डिग्री का, ये समझ में आया। अब देखिए यहां पे सेकंड है ही नहीं, तो हमको एक यहां से उधार लेना पड़ेगा। तो हम लोग याद क्या जानते हैं कि एक मिनट में कितना सेकंड, यहां भी 60 सेकंड करना है, एक मिनट में कितना सेकंड, तो यहां से एक मिनट क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, 17 बचेगा। क्या 17 से 58 माइनस होगा, नहीं होगा ना। तो एक डिग्री यहां से उधार लेंगे, यहां बचा हुआ कितना है 17। अब यह भी याद रखना है कि एक डिग्री में 60 मिनट, एक डिग्री में कितना मिनट, इधर का 60 मिनट, यहां बचा हुआ कितना था, कितना हो गया ना, यानी अब माइनस हो सकता है। देखिएगा तो एक या 25 की जगह कितना बचा 24 डिग्री, यहां कितना बचा और यहां कितना बचा हुआ था, और नीचे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड। अब माइनस होगा, कीजिए माइनस, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर आया तो, और आने के बाद तुरंत YouTube में किताब में ऐड हो जाता है। ये सोच के देखिएगा, आज अभी आप क्वेश्चन बनाइएगा 2016 का वो एग्जाम का, कोई भी एग्जाम का, या 2013 का एग्जाम का, तो आपको लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन है, लगता ही होगा ना, आप लोग बनाते भी होंगे तो खूब मजा आता होगा कि इतना इजी एग्जाम क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। बताओ उपराजधानी पूछा है, बताओ झारखंड का पहला मुख्यमंत्री पूछा है, क्योंकि आपके किताब में ऐड होके आया है। जो किताब बना है प्रीवियस ईयर को देख के बना है, उन गरीब लोग के बारे में सोचिए जिनका किताब में ऐड ही नहीं था, उनका किताब में दिया ही हुआ नहीं था कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79714 है ना, वो स्क्वायर माइल में कितना है। आज का किताब में ऐड होता है ना कि 30778 स्क्वायर माइल क्या है, झारखंड का एरिया है। हाँ, जो हमारा क्षेत्रफल है ना, देखिएगा 79714 स्क्वायर माइल में कितना हो जाएगा, 30778, कहीं कहीं पर 779 देता है, किसको लेकर 716 को लेकर, कहीं कहीं पर 716 मिलता है ना, स्क्वायर माइल में कितना हो जाता है 30778 स्क्वायर माइल, ये स्क्वायर किलोमीटर। हम लोग को लगता है कि बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, पर उन गरीब लोग का किताब में ही नहीं था, उस समय ऐड ही नहीं हुआ था ना किताब में क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ था उन लोग के लिए वही लेवल क्या था, टफ रहा था। केवल इतना ही बदलाव हुआ है, ये मत सोचिएगा कि पहले का लेवल बहुत आसान था, आज का लेवल बहुत टफ है, वो हर किसी को लगता है। जब आप पास हो जाइएगा ना, पर आने वाला पीढ़ी नेक्स्ट आएगा उसको भी यही लगेगा कि सीनियर लोग तो आसानी से ले लिए थे, हम लोग का बहुत टफ है, तो सबका लेवल वही है। खैर आगे बढ़े, माइनस किए तो कितना आया, 3 डिग्री 19 मिनट, क्लियर है। ये हमारा क्या आया, झारखंड का विस्तार आया, लिख के रखना है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है, लिखिए लैटिट्यूड, नहीं ये लिख के रखिए लैटिट्यूड डिस्क्रिप्शन लिख के रखिए उसका, क्योंकि उसका पूरा एरिया है कि कितने एरिया में फैला हुआ है। अब इसी को कैलकुलेट करके ही एरिया निकाला गया है कि कहां से लेकर कहां तक है, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म पाइए, ये क्लियर हुआ, हाँ आगे बढ़ा जाए। अच्छा पहले हम लोग एक और चर्चा करे थे, क्या ना यहां पर क्या था, 23.5 डिग्री ना, इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए, 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री क्या है यहां पे, नॉर्थ मतलब कर्क रेखा, और हम लोग दोपहर के 12 बजे 21 जून के दिन कर्क रेखा पे खड़े रहेंगे तो हमारा शैडो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 21 जून के दिन कर्क रेखा में सनलाइट क्या गिरेगा, वो भी कितना बजे, 12 बजे, तो
12 बजे धूप में अगर किसी को 21 जून के दिन कोई काम ना हो तो जाके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कांके में ड्रॉ किया हुआ है ना कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, और माझी में भी लिखा हुआ है देखे होंगे। तो 21 जून के दिन यहाँ पे शैडो क्या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? जब सनलाइट ऊपर से गिर रहा है, अभी देखिए अगर यही लाइट यहाँ पे जो लगा हुआ है इधर रख देते तो शैडो बनता। ये लाइट कहाँ लगा हुआ है, एकदम सीधा में, तो शैडो क्या हो रहा है, ना के बराबर बन रहा है। एकदम सीधा में लगा देते तो बनता ही नहीं। क्लियर है? खैर, अब हम लोग को जानना है कि झारखंड का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे कौन गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। पहले हम लोग इंडिया का तो जान ले कि इंडिया का कौन कौन सा राज्य है जिससे होकर गुजरता है। तो बता दीजिएगा एक बार आप लोग कि इंडिया के कौन कौन से राज्य, ये अपना झारखंड यहां हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम मैप ही लगा देंगे, आज केवल एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिएगा यहां पे आपको स्टार्ट कौन होगा, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, अपना झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या क्या बताएं यहां पर, सबसे पहला राजस्थान, इसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, अपना झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्लियर है। इतने सारे से कौन पास होगा, कर्क रेखा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कहां पे सन की रोशनी यानी कि सूर्य का रोशनी एक बार भी सीधी नहीं गिरती है। सूर्य की रोशनी एक बार भी सीधी नहीं गिरती है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या सुनिएगा, पहला ऑप्शन है केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर आपका आपका झारखंड भी ऑप्शन में है और बिहार भी है। हाँ, हम लोग क्या कहें, एक बार भी सीधा नहीं गिरता है। अब झारखंड में तो सीधा गिरता है साल में एक बार, फिर कर्क रेखा हम लोग बनाए, लेकिन इसके नीचे वाला जो है इसमें भी तो गिरता होगा ना, जब मार के तो गया नहीं होगा। जब इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रहा होगा तो सारे डिस्ट्रिक्ट या सारे स्टेट में क्या होता होगा, सनलाइट सीधा गिरता हुआ ऊपर गया होगा, और ठीक गिरता हुआ भी क्या आएगा, नीचे आया होगा। मतलब केरल और तमिलनाडु में साल भर में कितनी बार गिरती होगी, दो। ये क्लियर हो रहा है, केरल और तमिलनाडु में सनलाइट या सूर्य की रोशनी सीधी कितनी बार गिरेगी, दो बार। एक बार जाते समय, लेकिन हमारा झारखंड में एक ही बार, कुछ इलाका में दो बार होगा। जब अभी झारखंड का डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी बार गिरेगा, अभी आ रहे क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन ये तो सेंट्रल लेवल का हो गया, सेंट्रल जीएस वाले में, झारखंड जीएस में ये नहीं पूछेगा। अब झारखंड जीएस वाले में आते हैं, तो अब झारखंड में कहां कहां से पास होता है, तो सबसे पहले यहां पे क्या मिल जाएगा, लातेह। कौन मिलेगा, लातेह। लातेहार के बाद कौन मिलेगा, लोहरदगा, गुमला। ये कौन मिल जाएगा, गुमला के बाद लोहरदगा। इसका उल्लेख जैन ग्रंथ में मिलता है, लोरे याद का, आंसुओं की नदी। लोहरदगा कहने का मतलब लोरे याद, इसका मतलब क्या, आंसुओं की नदी। पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, इसके बाद कौन आ जाएगा, रांची, अपना काके। हाँ, रांची में दो जगह लिख के आता है ना, एक तो कांके आएगा और एक और मांझी, और बीच में तो रेखा जंप मार दिया होगा, एक कांके है और एक कहां है, और मांझी, और बीच में जो इलाका है उसमें क्या हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा ना, जो फेमस है उसी को पूछ लिया जाता है, इसलिए चर्चा में क्या है, कांके और मांझी। यहां भी छोड़ दीजिए, कई कई बार आंसर ऐसे आता है कि कर्क रेखा कहां से गुजरता है, कांके से होकर, और कहीं से नहीं, कहां से, मतलब बाकी सब तो बेकार हो गए, जब मार का आया होगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, इसके बाद यहां पे कौन आता है, रामगढ़ को भी टच करता है, याद रखिएगा, रामगढ़ को भी टच करता है, और यहां पे बोकारो, बोकारो में चंदन क्या ही नाम सुने, गोला,
गोला, चंदन क्यारी, तो एकदम नीचे वाला, ये तो हम रैंडम मैप बना दिया ना, जो ओरिजिनल मैप होगा एकदम नीचे वाला इलाका होगा चंदन क्यारी के नीचे, उस जगह पे टच करेगा। रामगढ़ के आसपास, गोला के आसपास जो इलाका होता है, रांची में तो ही क्या कांके और माझी, लोहरदगा में कहां पे किसको, जहां से कौन सा नदी उद्गम होता है, औरंगा नदी, इन ऑप्शन में कई बार मिलेगा ही नहीं, तो रांची टिक करना पड़ेगा आप। लेकिन इन जनरली औरंगा नदी का उद्गम कहां पे होता है, लोहरदगा के किसको, तो लोहरदगा के किसको में आपको क्या गुजरेगा, कर्क रेखा। फिर गुमला में बात करें तो एक ही नाम याद है सर, चैनपुर तो बोल दिए, गुमला में ही है, तो क्या इसी के आसपास गुजरता है। लातेहार में, लातेहार में कहां पे, लातेहार में तो कोई इलाका फेमस होगा ना जहां से गुजरता होगा। याद देखिएगा, इस इलाका की बात किया जाए, यहां पर रामगढ़ पहाड़ी के नाम से पहाड़ी है छत्तीसगढ़ की, रामगढ़ पहाड़ी रामगढ़ में नहीं है, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी इस साइड पे है, गुमला, गुमला से होते हुए छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गुमला के जो रामगढ़ पहाड़ी का इलाका कहा जाता है, जो किधर है, असल में छत्तीसगढ़ में है, असल में रामगढ़ पहाड़ी कहां पे है, छत्तीसगढ़। पर अभी हमने क्या कहा था, कोई पहाड़ी एक ही जगह में रहेगा नहीं, उसका फैला होगा, तो कुछ हिस्सा शायद इस इलाका में आएगा, इसलिए आपको मैप में यहां क्या दिखने को मिलेगा, रामगढ़ पहाड़ी। यहां से भी कौन पार होता है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा का जिला कितना याद रखिएगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, जवाब दीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताइए निम्न में से किस जिले में सूर्य की रोशनी प्रत्यक्ष यानी सीधी साल में दो बार गिरती है, साल में दो बार गिरती है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है रांची, जिला पूछा है। दूसरा ऑप्शन है दुमका। तीसरा ऑप्शन आप ले लीजिए सरायकेला खरसावां। और चौथा ऑप्शन आप ले लीजिए ईस्ट सिंहभूम। अच्छा, ईस्ट सिंहभूम नहीं लेते हैं, सिमडेगा लेते हैं, एक ही प्रमंडल का नहीं लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, सिमडेगा ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्य की रोशनी साल में दो बार सीधी गिरती हो, वही तो पूछ रहे हैं, एक तो सिमडेगा होगा और एक यहां पे, तो साल में एक बार भी सीधा नहीं, कर्क रेखा से क्या है ऊपर है, और रांची में क्या कहना है, मतलब छह जो हमारा जिला जिससे होकर कर्क रेखा पास होगा उसमें क्या कहना है कि साल में एक, नीचे वाला जो जिला है उस छह के अलावा नीचे में जो जिला है, आज मैप में जाके देखना है कौन कौन है, सिमडेगा यहां पर, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, और यहां पे खूंटी किधर है, वो भी तो रहेगा ना, ऊपर में तो नहीं जाएगा, नीचे ही है, तो कितना हो रहा है, एक दो तीन चार पांच, पांच ऐसे जिले हैं जिसमें सूर्य की रोशनी क्या होगी, साल भर में दो बार सीधे तौर पे गिरेगी। कहां चला गया वो पेज, खैर फिर से लिख देते हैं, छह में क्या हो रहा है, साल भर में एक बार, नीचे वाला कितना हुआ पांच, इसमें साल भर में दो बार सूर्य की रोशनी क्या गिरेगी, सीधी गिरेगी, और बचा हुआ कितना हो गया हमारे पास, कितना टोटल, तेरह, तेरह में एक बार गिरे, क्लियर है। तो केवल केवल कर्क रेखा पढ़ के नहीं चल देना है, ये कर्क रेखा झारखंड में छह जिले से गुजरती है, पढ़ के चले गए, पूछ दिया बताओ कितना जिला है जहां दो बार सनलाइट गिरता होगा, सर ये तो नहीं पढ़े थे, तो पढ़ने वाली बात नहीं, ये आपका खुद का दिमाग होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में वही आए, ये हवाबाजी करना ठीक नहीं है, जबरदस्ती कह दिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, तो भैया आप जेसीसी का चेयरमैन है क्या, आप जो बोलिएगा वही आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है, बात समझ में आया, कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम लोग क्या समझे कि सन की लाइट साल में एक बार क्या गिरेगा और एक बार नीचे में सीधा मकर रेखा में और बीच में क्या होगा दो बार, तो उसके बीच में जितने सारे जिले आ रहे हैं चाहे राज्य आ रहे हैं उसमें कितना बार दो बार, से तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक बार भी नहीं, उसके बाद बिहार में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं, हिमाचल में भी नहीं, ऊपर वाले में एक बार भी नहीं, और एक बार किसमें कहेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, क्लियर है, वहां कितना हो जाएगा आठ, हमारे यहां कितना है छह, दोनों याद रखेंगे, वहां कितना हो गया आठ, हमारे यहां छह, और हमारे यहां तो डिटेल्स में पढ़ना है कि छह में एक बार, पांच में नीचे वाला सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला खरसावां, अगर इतना ही आप पढ़ने जाते कि नीचे वाला होगा ना खूंटी वहां भूल जाते, वहां पता चला एग्जाम में खूंटी याद नहीं आया चार मार के आगे, तो याद रखना कि खूंटी भी है, कौन कौन है सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और खूंटी, और कितना में नहीं गिरता है तेरह में नहीं गिरता। अब कल हम लोग पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में, आज लॉन्गिट्यूड याद रहेगा कहां से कहां तक 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट, सबसे दक्षिणी जिला पश्चिम सिंहभूम और सबसे ऊपर में साहेबगंज, क्लियर, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।